प्राप्य रामस्य पपात भरत रोदन। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने इस प्रसंग में लिखा है, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई भूतल परेउ लकुट की नाई। इस पृथ्वी पर लकुट माने डंडे की तरह भैया भरत आयो धड़ाम से गिर पड़े। डंडे की तरह गिरने का भाव यह है कि राघव भैया डंडा अपने से गिर तो सकता है लेकिन उठ नहीं सकता। अब भरत तब तक गिरा रहेगा आपके सामने धरती पर जब तक आप उठाओगे नहीं। और भैया भरत धड़ाम से गिर करके रो रहे हैं, पपात भरतो रुदन, राघव भैया कहकर। लेकिन राम जी नेत्र बंद करके बैठे हैं। कारण क्या है? कहा भैया लक्ष्मण ने कहा था कि श्री भरत आपको मारने आ रहे हैं। तो राम जी ने सोचा मेरे लक्ष्मण की बात को कोई अन्यथा न समझ ले, इसलिए लक्ष्मण के हृदय को प्रकट करना आवश्यक है। तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम ठीक कहते हो भाई, मुझे व्यक्ति की पहचान नहीं है। मैं जैसे अपने सीधा साधा हूं तुम्हारी दृष्टि में सबको वैसा ही समझता हूं, लेकिन मेरे लक्ष्मण तुम्हें तो पहचान है ना। जब तक तुम नहीं कहोगे मैं भरत से बात भी नहीं करूंगा। इतना कहकर राम जी नेत्र बंद करके बैठ गए। श्री भरत आकर के रो रहे हैं, पादाव प्राप्य रामस्य पपात भरतो रुदन। भैया भरत रो रहे हैं, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, रक्षा करो हे राघव भैया। लेकिन राम जी नेत्र नहीं खोल रहे हैं। भैया भरत को चरणों में गिर करके जब रोते देखा तो लखन भैया से रहा नहीं गया और लखन भैया दौड़ करके आए और राघव प्रभु के चरणों में अपना मस्तक रख दिए महाराज। और चरणों में मस्तक रख करके रोते हुए कहते हैं, राघव भैया आपका भरत आ गया, कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। राघव भैया भरत आपको प्रणाम कर रहा है, इस भरत को उठाकर अपने हृदय से लगा लो। इतना सुनना था कि भगवान श्री राम भरत को उठाने दौड़ पड़े। इसका तात्पर्य क्या है? कहा अयोध्या कांड में यह दूसरी शरणागति है। लखन भैया आचार्य हैं, यह शरणागति के रहस्य को जानते हैं। अयोध्या में उन्होंने भी राघव प्रभु के शरण को ग्रहण किया था और आज श्री भरत भी श्री राम जी के चरण शरण में आए हैं। बिना आचार्य के शरणागति सफल नहीं होती। और लखन भैया जीवाचार्य हैं, जब तक आचार्य जीव की शरणागति नहीं कराता तब तक ईश्वर जीव को स्वीकार नहीं करते। मानो जब लखन भैया ने कहा कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुना था, तब राम जी उठे। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। इतना सुनकर के राम जी विकल होकर के व्याकुल होकर के दौड़े। कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा, वस्त्र कहीं गिरा, धनुष कहीं गिरा, गोस्वामी जी कहते तरकस कहीं गिरा। और राम जी दौड़ पड़े श्री भरत को उठाने के लिए। इसका मतलब क्या है? कोई आपके द्वार पर आकर के कहे रक्षा करो तो आपके घर जो भी लाठी डंडा होगा लेकर दौड़ेंगे कि जो हाथ में होगा उसको भी फेंक कर दौड़ेंगे? राम जी तो धनुष तीर सब फेंक कर दौड़ रहे, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। इसका मतलब इसका मतलब यह है कि भरत मैं तुम्हारी रक्षा क्या करूंगा, तुम अपने हृदय में अगाध प्रेम सिंधु लेकर के आए हो, कहीं राम तुम्हारे इस प्रेम सिंधु में डूब गया और अयोध्या चला गया तो मेरे पिता के वचन का क्या होगा? हम तुम्हारी रक्षा क्या करेंगे, तुम हमारी रक्षा करना, मुझे ऐसा विवश न कर देना कि मुझे अयोध्या लौटना पड़े। मानो आज की भाषा में कहें तो व्यक्ति जिससे हार मानता है उसके सामने हथियार डाल देता है। मानो राम जी तो पहले हार स्वीकार कर रहे हैं। कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा, अथवा
राम जी सोचते हैं मेरे भरत को अयोध्या की राज संपत्ति मिली थी और मेरा भरत अयोध्या की राज संपत्ति का त्याग करके मुझसे त्यागी की तरह मिलने आया है और मेरे पास संपत्ति के नाम पर तो यही वस्त्र धनुष और तीर है। जैसे भरत त्यागी बनकर मुझसे मिलने आया है वैसे मैं भी अपनी इस संपत्ति का त्याग करके भरत की तरह बन करके भरत से मिलूंगा, इसलिए कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। सब गिर गए महाराज। अथवा मानो श्री भरत के हृदय से हमारा हृदय मिले तो एक पट का व्यवधान भी श्री राघव को पसंद नहीं है, इसलिए कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। दौड़ पड़े और दौड़कर अपने श्री भरत को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया।